फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए देखिए एक पेंटिंग करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए ये वुडन बोर्ड जो है मैंने ले लिया है, और उसके बाद मैं पहले इसमें ड्राइंग कर लूँगी, फिर हम पेंटिंग शुरू करेंगे। पहले ड्राइंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट पेंसिल से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। एक ट्राइबल वूमेन की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। और अब इसका मैं जो ऊपर का टर्बन है उसको कर रही हूँ, और ये कंप्लीट करके मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो इसका नेकलेस है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी डिटेलिंग करूँगी, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर वाले में मैंने थोड़े से जो है छोटे सर्कल्स डाले हैं इस तरीके से। और सेकंड में देखिए इस तरीके से मैंने जो है बड़े सर्कल्स डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो ये डिटेलिंग मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फुली जो मैंने ड्राइंग करी है वो कैसी है। मैंने इसमें वाइट कलर लिया है, और जो बाकी का स्पेस बच गया है उसमें मैं वाइट कलर कर दूँगी, और फिर उसके ऊपर मैं जो है कुछ ड्राइंग करूँगी। तो पहले वाइट कलर कर लेते हैं। उसकी बाउंड्री से मैं लेकर इसको कंप्लीट करूंगी। अब मैं एक ही हाथ से जो है कैमरा पकड़ रही हूँ, दूसरे हाथ से मेरे को पेंटिंग करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास जो है प्रॉपर सेटअप नहीं है इसका, तो थोड़ा सा हिलता है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। तो अगर आपको मेरा जो ये पेंटिंग पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से देखिए मैं इसकी सारी बाउंड्री जो है इस तरफ से पूरा उसको पहले मैं वाइट कलर से कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बैकग्राउंड वाइट करने की वजह से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ट्राइबल जो है वो फिगर बनी हुई है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा मेरी जो यहाँ पर बाउंड्री पे है उसमें थोड़ा सा वाइट रह गया है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एक पतले 0 नंबर के ब्रश से, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे हम क्या करेंगे। अब जो ये वाइट पार्ट है इसमें मैं कुछ रेक्टेंगल टाइप की फिगर्स बना रही हूँ, रैंडमली बना रही हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मैं ये फिगर्स बना रही हूँ। ऐसे ही मैं पूरे उसमें बनाकर आपको दिखा रही हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और जब आप इसमें कलर करेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे हम इसको कलर करने के लिए। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ और आपसे फिर शेयर करती हूँ। देखिए मैंने ये पूरे जो है बैकग्राउंड में इसको कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। और अब जो है हम सेंटर में स्टार्ट करेंगे कलरिंग करना, और इनमें भी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें रेड कलर लिया है इसकी टर्बन में, और 3-4 कलर्स हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू और ब्लैक, इन सबको मिक्स करके मैं इसकी टर्बन तैयार करूँगी। तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ बीच बीच में पैटर्न्स बनाऊँगी और उसको कलर शुरू करूँगी। तो करते हैं, ये 3 में मैंने कलर कर लिया है, और अब मैं ऑरेंज कलर लिया है जो कि मैं ऊपर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और देखिए
फिर इसमें मैं इसको करने के बाद मैं जो है इसमें ऊपर से मैं ब्लैक या वाइट कलर से उसको डिज़ाइनिंग दूंगी। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, इसका लास्ट जो टर्बन का एरिया है उसको कवर करने के लिए, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो अगर ये इनको जो पेंटिंग है अच्छी लग रही है तो वो जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरीके से इसको हम जो पीछे हमने बो बनाई है या नॉट कह लीजिए, नॉट बनाई है, उसको भी हम उसी तरीके से शेड कर रहे हैं जिस तरीके से हमने ऊपर का किया है। तो इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जैसे इयररिंग्स है और नेक का पीस बना रखा है उसको मैं वाइट कलर से पहले करूँगी और फिर मैं उसको ब्लैक से आउटलाइन करूँगी। तो शुरू करते हैं पहले वाइट कलर से। देखिए फ्रेंड्स मैंने वाइट से जो है पहले इसकी जो ज्वेलरी है उसको कर रही हूँ। तो इसको कंप्लीट करके मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये फ्रेंड्स ये इयररिंग पे मैंने वाइट कलर कर लिया है और अब मैं ऐसे ही जो नेकलेस मैंने बनाया है उस पर भी मैं वाइट कलर से कर लूँगी। देखिए इस तरीके से इसे भी मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ। इस तरीके से देखिए ये पूरी लाइन में इसको कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड नेकलेस भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तब तक ये नेकलेस जो है ड्राई होता है मैं इसकी टर्बन पे ब्लैक कलर से थोड़ा सा डिज़ाइंस बना रही हूँ। देखिए किस तरीके से किसी भी तरीके का आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं जो आपके मन करे।
देखिए इस तरीके से। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी टर्बन में मैंने एक रेड पोर्शन में कंप्लीट कर दिया है, अब मैं येलो में करने जा रही हूँ। तो आप देखिए इस तरीके से मैं ये पैटर्न इसमें भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जो है इस पोर्शन में कंप्लीट करूँगी। तो देखिए किस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप कुछ भी पैटर्न जो है बना सकते हैं, जो आपका उस टाइम पे मन करे। इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप इसको डिज़ाइनिंग देते जाइए और इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन पोर्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा डार्क है, अगर मैं इसमें ब्लैक करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है और इसमें मैं वाइट से जो है फिलिंग करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मेरी टर्बन जो है उस फिगर की कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो अब इसको मैं ब्लैक से जो मेरी ज्वेलरी है उसको आउटलाइन करना है, तो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके इयररिंग्स में मैंने ब्लैक आउटलाइन कर ली है और नेकलेस में भी कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही स्लो तरीके से करनी होगी। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये ज्वेलरी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए मैंने ये कुछ कलर्स लिए हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्राउन और पिंक।
जो कि मैंने ये पैटर्न्स बनाए हैं, इन पैटर्न्स को मैं बस लाइन के ऊपर ऊपर मैं ये डिफरेंट कलर्स कर लूँगी। तो आइए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो है बाउंड्री सिर्फ इसकी कर लेंगे, जो मैंने ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं। और अगर आपको मेरा ये जो पेंटिंग है ये अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो और अब आगे हम दूसरे कलर से करेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरी ये पेंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी पेंटिंग फिर से पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।